हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये ब्लॉग थोड़ा सा मेरा पुराना ब्लॉग है, मतलब आई थिंक फ्राइडे का ये ब्लॉग है, क्योंकि मैंने ये ब्लॉग शूट तो कर लिया था लेकिन इसको मैं एडिट नहीं कर पाई। तो ये अन्या स्कूल जा रही हैं, अन्या के स्कूल जाते समय सुबह जो ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन होती है वहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए, मैं पनीर के पराठे बनाने जा रही हूँ आज टिफ़िन में, तो उसी को मैंने मैश करके रख लिया और इसमें महीन सा प्याज मैंने काटा है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और बाकी थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा आमचूर पाउडर, नमक और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च डाली है, और आटा इसका थोड़ा सा गीला मड़ता है ताकि पराठे फटने ना पाएँ। तो बस मैं वही पराठे बनाने जा रही हूँ पनीर के, और इसको इस तरीके से भर के। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं बना रही थी, ब्लॉग शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो बस वही टिफ़िन की तैयारी चल रही है, और अन्या को मिल्क दे दिया है, वो अपना मिल्क पी रही हैं। उसके बाद मैं इधर टिफ़िन तैयार करूँगी, तो ये बस अन्या का और इनका सुबह टिफ़िन तैयार होगा। उसके बाद फिर मैं बाकी मिक्सचर उठा के रख दूँगी, फिर जब हम और पापा नाश्ता करते हैं तब फिर नाश्ते में बना लेंगे पराठे गरम गरम। तो बस ये दोनों तरफ से अच्छे से लाल सीख गए पराठे। उसके बाद इसमें घी लगा दिया मैंने, और इसमें मैंने देसी घी लगाया है, मैंने सोचा देसी घी लगा देते हैं, थोड़ा सा और इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। बाकी तो रिफाइंड में ही बनाती हूँ अधिकतर, लेकिन इसमें मैंने देसी घी का बना दिया क्योंकि अन्या को देसी घी का कम पसंद है, लेकिन टिफ़िन में तो खा लेगी, यहाँ घर पे होती है तो नहीं खाती है, तो वही मैं बना रही हूँ। तो ये हमारा पराठा एक सीख गया है, अन्या तो एक ही ले जाएंगी टिफ़िन में, क्योंकि कचौड़ी तो दो ले जाती लेकिन पराठा सिर्फ एक ही ले जाती, वरना बचा के ले आती है फिर। और फिर इनके टिफ़िन के लिए सेक लूँगी पराठे। तो बस इसी तरीके से मैं फटाफट से सेक लेती हूँ सारे पराठे। अन्या का सीख चुका है और बस इनके भी सीख गए हैं, ये लास्ट बचा है। मैंने जल्दी जल्दी से आप लोगों को मतलब दिखाया, पूरा वीडियो तो बहुत लंबा हो जाता, तो बस इनके पराठे सीख रहे हैं ये। तो ये इनका टिफ़िन भी मैं लगा दे रही हूँ, और उसके बाद उठा के रख दूँगी, फिर जब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे तब बनाएंगे। ये टिफ़िन तैयार हो गया है दोनों लोगों का। फिर इनके जाते ही मैंने मलाई गरम करने के लिए चढ़ा दी थी, तो वैसे मत के गरम करती लेकिन देर हो रही थी इसलिए मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया। और इधर दूध भी मेरा बॉयल हो चुका है, दूध सुबह ही आता है तो दूध बॉयल कर लिया। फिर इधर मैं मलाई गरम कर रही हूँ, घी बना रही हूँ। तो उसके बाद फिर लंच की भी तैयारी हो रही है धीरे धीरे, बाकी का सारा काम मेरा हो चुका है। तो ये मैंने लौकी के कोफ्ते बनाने जा रही, तो लौकी घिस के और उसको कद्दूकस करके और अच्छे से धुल के निचोड़ के रख लिया, और उसको बेसन में मिक्स कर रही हूँ मैं लौकी। फिर इसके कोफ्ते, आज कोफ्ते का है क्योंकि सब्जी कोई खाएगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कोफ्ते बना लेते हैं। तो इसमें मैंने सब चीज़ मिला ली है, सिर्फ नमक नहीं मिलाया अभी, गरम मसाला और धनिया, थोड़ा सा थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, ये सब मिला लिया है। नमक बिल्कुल बनाते समय मिलाऊंगी, क्योंकि नमक मिलाने से फिर पानी हो जाएगा पूरा। इधर मेरा घी भी ऑलमोस्ट गर्म हो ही चुका है, बस थोड़ी सी मलाई और हो जाए, बस फिर इसको बंद कर दूंगी। और अब मैं इसमें नमक डाल लेती हूँ क्योंकि मेरा इधर तेल भी गर्म हो गया है। तो फटाफट से कोफ्ते की तैयारी भी कर लेते हैं। तो ये हमारा इधर घी गर्म हो ही चुका है लगभग, और ये कोफ्ते के लिए पकौड़ियाँ बना लेती हूँ पहले। बाकी मैंने सब पीस वीस के रख लिया है, उसको मैं सब करके तब मैं नहाने गई थी, प्याज लहसुन टमाटर सब पीस के। और ये इस शेप में या फिर गोल शेप में किसी भी तरीके से आप बना लीजिए, अच्छे लगते कोफ्ते। तो इस शेप में तो ऐसे कुछ कोई आने वाला हो या कभी ऐसे जल्दी नहीं होती तभी मैं बनाती हूँ, वरना मैं अधिकतर गोल बना लेती हूँ। तो ये मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि इस तरीके से बना लीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है कोफ्ता ऐसे लंबे आकार में। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं गोल ही बनाऊंगी, क्योंकि लेट हो रहा है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी कोफ्ते की, अचानक से मैंने सोचा कि सब्जी कोई नहीं खाएगा, कोफ्ते बना लेते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से तैयारी करी, तो लेट भी हो गया है काफ़ी। तो बस इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते बना के, और उसके बाद फिर ये देखिए मेरे सारे कोफ्ते बन चुके हैं, और एक बार का और बचा है उसको भी मैं जल्दी से बना लेती हूँ ये इतना। उसके बाद फिर इधर ये मैंने देखिए प्याज लहसुन टमाटर सब डाल दिया है इसमें, और इसको फ्राई कर लेते हैं मसाले वसाले डाल के ग्रेवी के लिए। और इधर मेरा घी भी गर्म हो चुका है, इसको मैं बाद में छानूंगी, ठंडा हो जाएगा तब। तब तक इधर कोफ्ते चावल रोटी ये तैयार करना है।
तो पूरी तो कोफ्ते की रेसिपी मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे है और लेट भी बहुत हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी से बस सिर्फ थोड़ा सा वीडियो बना लिया और ये सारे मसाले डाल दिए। मसाले मैंने पहले से घोल के रख लिए थे, धनिया, हल्दी, मिर्चा, गरम मसाला और थोड़ा सा सब्जी मसाला भी डाला है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है कोफ्ते का। कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी में थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल देने से कलर बहुत अच्छा आ जाता है, तो वो मैंने डाल दिया है। और उसके बाद बस ये इसमें पानी डाल दूंगी और जब तक ये खोलेगा उतनी देर में आटा मार के रोटी में सेक लूंगी और फिर बस चावल बचेगा तो चावल भी बन जाएगा। और ये कोफ्ता मेरा उधर खोल रहा है, इधर मैंने रोटियां भी मेरी सिक गई हैं और बस घी लगा के रोटियों को रख दूंगी। तो गरम गरम में ही घी लगा देती हूँ, उससे मुलायम बनी रहती है रोटियाँ। कैसरोल में करके रख दूंगी तो ये मुलायम बनी रहेंगी। बहुत गर्म है तो मेरा हाथ भी जल रहा है। तो बस ये रोटियों में घी भी लग गया और इसको रख देते हैं। इधर कोफ्ता भी मेरा तैयार हो गया है। और ब्रेकफास्ट तो हम लोग कर ही चुके थे इसलिए लंच जब आने आ जाती है तभी करते हैं स्कूल से, तो आने के बाद ही करूँगी लंच, मतलब हम सब लोग बाद नहीं करते हैं। तो ये रोटियाँ भी सिक के तैयार हो गई हैं, इधर कोफ्ता भी रेडी हो गया है। अभी मैंने इसमें पकौड़ियाँ नहीं डाली हैं क्योंकि अच्छे से खोल जाए जाता है रसा, तभी डाले वरना फिर पकौड़ियाँ फूट जाएंगी इसमें। तो अब मैं ये कोफ्ते डाल दूँगी और बस ये देखिए कोफ्ता भी मेरा बन के रेडी हो गया। इधर राइस भी मैंने बना लिया है, रोटियाँ भी सिक चुकी हैं, तो पूरा मेरा लंच रेडी हो गया है। और अब मैं करूँगी अपने किचन की क्लीनिंग क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच उसके बाद ये पूरा सब किचन फैला हुआ है तो इसको पूरा क्लीन करना है। ये देखिए अब ये मेरा किचन भी क्लीन हो चुका है पूरा। और ये बाकी तवा और ये चकला वगैरह मैं नहीं देती हूँ मेट को, तो ये मैं खुद धुल के रखती हूँ, ये सब मैंने धुल के रख लिया है। और गैस के जो स्टैंड वगैरह होते हैं वो भी सब धुल लिया, गैस भी साफ़ कर दी, सिर्फ बस अब लंच बाकी रह गया है। जैसी आने आएगी तुरंत हम लोग लंच करेंगे फिर। तो पूरा मेरा लंच बन के रेडी है और सारा काम भी हो गया है। तो ये देखिए मेरी लंच की थाली, राइस, रोटी और प्याज मैंने कट किया है और कोफ्ते, और तो मैं और आन्या लंच करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, तो मैं लंच के बाद अब मिल रही हूँ और क्योंकि उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला और मैं आगे वाले रूम में हूँ तो इसलिए बाहर का शोर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम मैं खिड़की दरवाजे सब खोल देती हूँ कि थोड़ी सी फ्रेश एयर आए रूम में और ठंडा भी लगता है क्योंकि मौसम इस समय थोड़ा ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। और पीछे वाले रूम में ये काम करते रहते हैं तो वहाँ पे फिर बैठ के वीडियो शूट करना, मैं मतलब बोलूँ तो इनको हो सकता है डिस्टर्ब हो थोड़ा क्योंकि ये काम करते, या फिर इनका कोई फ़ोन आ जाए तो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी मुझे वहाँ से भागना पड़ता है अपना कैमरा वैमरा लेके कि फ़ोन आ गया तो बीच में बात करने लगते तो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए मैं इस वाले रूम में आ गई। और मैंने सोचा कि मैंने इस वीडियो का एंड तो किया ही नहीं अभी, क्योंकि बस सिर्फ सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में पनीर के पराठे बनाए वो दिखाया, फिर उसके बाद लंच में कोफ्ते, कोफ्ते की कोई पहले से तैयारी नहीं थी इसलिए थोड़ा सा मुझे आज बहुत लेट हो गया। और अचानक से मैंने सोचा कि लौकी की सब्ज़ी कोई नहीं खाएगा तो चलो कोफ्ते बना लेते हैं और फिर आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ मैं। तो वो बनाने में, क्योंकि अगर पहले से सुबह से अगर कोई चीज़ सोच लो तो उसकी थोड़ी सी तैयारी हो जाती है तो लंच जल्दी बन जाता है, लेकिन अगर कोई जल्दी से सोचो कोफ्ते वगैरह में तो वैसे भी टाइम लगता है, तो काफ़ी मुझे टाइम लग गया उसमें। फिर उसके बाद घी भी मैं आज बनाई, उसकी मलाई मैंने गर्म करी, फिर घी छाना, तो ये सब करते करते मुझे 3:30 बज गया था। फिर उसके बाद मैं मतलब बहुत ज़्यादा थक गई तो फिर मैं रेस्ट करने लगी क्योंकि मतलब बारिश भी हो रही थी, थोड़ा मौसम भी ठंडा था तो थकान भी बहुत लग रही थी, तो फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर ये आए तो फिर चाय वाय बनाई, तो मुझे याद आया कि मैंने इस वीडियो का एंड तो अभी किया ही नहीं है, तो क्यों ना आप लोगों से थोड़ी बातें भी मैं कर लेती हूँ और वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। और आगे वाले रूम में ये देखिए वही जो आने सब ड्रॉयर सजा रखे थे, और ये जो पीछे ये लगा हुआ है
ये मैंने दीपावली पे सजाया था, ये ग्लिटर पेपर जो आता है फोम शीट वाली, उससे बना के ये लगाए थे। तो ये अभी तक वैसे ही लगे हुए हैं, डबल साइडेड टेप से चिपकाया था और बहुत शाइन करते हैं। कभी कभी मैं हल्का सा बस ऐसे कपड़े से झाड़ देती हूँ और फिर वैसे ही शाइन करने लगते हैं। और इस वाले रूम में मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बनाती क्योंकि यहाँ से थोड़ा लाइट कम है, यहाँ पे उस वाले रूम में लाइट सही लगती है मुझे तो। लेकिन मैंने सोचा कि चलो बस एंड ही करना है तो थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और मतलब मैं सोचती हूँ कि रोज़ टिफ़िन में कुछ डिफरेंट बदल के ही मैं दूँ हमेशा लंच में, वो सॉरी टिफ़िन में। तो वही पनीर के पराठे बनाए तो जल्दी से मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। वैसे तो पनीर के पराठे सभी लोग बना लेते, उसमें कुछ खास नहीं होता है, लेकिन तभी ये होता है कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं कि आप लोगों को भी इससे आइडिया मिले कि बच्चों को रोज़ टिफ़िन में क्या दें क्या दें। मतलब मेरी तो रात में ही मैं सोचने लगती हूं कि कल क्या दूंगी, सुबह रात में ही मैं सोच लेती हूं। तो या फिर आने से पूछती आने क्या दो, तो आने फिर ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करके मुझे सोच के बताएगी कि हाँ मम्मा ये दो। मतलब उसकी तो फिर डिमांड चलती रहती है, कभी आलू की कचौड़ी तो कभी टोस्ट तो कभी ये तो कभी वो। तो बस जो भी मतलब होता है आधी तैयारी रात में कर लेती हूँ, अगर कुछ ऐसा स्पेशल अगर कुछ बनाया और अगर जल्दी बनने वाला हुआ तब तो फिर सुबह उसकी तैयारी होती है। जैसे आलू की कचौड़ी अगर बनानी हुई तो फिर आलू मैं रात में ही बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह क्या होगा कि अगर बॉयल करेंगे फिर उसको ठंडा करने में टाइम लगता है तो फिर लेट होने लगता है। और हस्बैंड का ऑफिस भी उसी टाइम है, आने को छोड़ के वो तुरंत चले जाते हैं, तो दोनों का मुझे एक साथ बनाना होता है तो इसकी वजह से और टाइम लग जाता है। और अगर कभी सिर्फ आने का ही बनाना होगा तब तो माइक्रोवेव में ही जल्दी से दो आलू रख दिए बॉयल हो जाते हैं उसमें तो बन जाती है जल्दी से। तो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, उसी का शोर आ रहा है। इस वाले रूम में इसीलिए और नहीं बनाती हूँ क्योंकि होता क्या है कि बाहर का भी शोर आता है तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे बैठे हैं और अच्छा लग रहा था इस रूम में, थोड़ा खिड़की दरवाजे सब आ गए रूम में, खोल देती हूँ शाम के टाइम तो इससे मौसम भी ठंडा है तो अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से आज अपनी वीडियो का एंड करती हूँ आप लोगों के साथ। और आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल बटन उसको प्रेस करिए ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।